हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि हम आपको करा रहे हैं सन 2019 का पांचवा प्रैक्टिस सेट और इसका छठवां प्रश्न है, और ये खा है। का आपको करा चुके हैं तो खा खंड है ये, और प्रत्येक पांच अंक का होता है लिखा है। क्या होता है जब पांच पांच अपक्रियाएं दी गई हैं, आपको पांचों ही अपक्रियाएं करनी है। तो पांच पांच अपक्रियाओं में आपको सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मल्डिहाइड को फेलिंग अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड HCHO को फेलिंग अभिकर्मक क्या होता है, CuO होता है। इसके साथ जब हम गर्म करते हैं तो इसके आगे दो का मल्टीप्लाई करते हैं और इसकी एक ऑक्सीजन, और ये क्यूप्रिक ऑक्साइड का लाल विलयन पृथक हो जाता है। एक ऑक्सीजन इसके साथ चला जाता है, कितने एक इसी के साथ जुड़ जाता है, तो फार्मिक अम्ल बनता है। ये लीजिए पहली हो गई फेलिंग अभिकर्मक को। फेलिंग अभिकर्मक की अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो क्यूप्रिक ऑक्साइड पृथक हो जाता है, फार्मिक अम्ल बनता है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दूसरी पे, दूसरी अभिक्रिया एसीटोन। क्या होता है एसीटोन का फार्मूला, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एसीटोन को किसके साथ गर्म करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। इसको लिख लेंगे हम सल्फ्यूरिक अम्ल का HSO4 के साथ गर्म करते हैं। केवल ये इतना हाई अभिकर्मक है, इसके किसी की जरूरत नहीं होती है। ये बॉन्ड क्रैश हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्रैश, इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ पर चिपक जाएगा, ऊपर बन जाएगा HCH3। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा OH, यहाँ पर क्या लग जाएगा CH3, यहाँ पर क्या बचेगा HSO4। इसे कहते हैं एसीटोन हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन सल्फेट, ये योगात्मक अभिक्रिया करता है, ठीक है। उसके बाद में अभिक्रिया किसकी आ जाती है, थर्ड अभिक्रिया आ जाती है फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH की अभिक्रिया किसके साथ होती है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक CH3MgBr लिखा हुआ है के साथ कराते हैं। हमने पहले भी बताया कि हाइड्रोजन युक्त यौगिकों से जब भी कोई अभिक्रिया करता है तो वो क्या करता है, एल्केन बनाता है। तो इसने क्या बना दी, मेथेन CH4, बचा क्या HCO MgBr बन गया। अब इसको हम दोबारा जल अपघटन कराया था, उत्पाद ये बन गया उत्पाद, इसका तो हमें कुछ पता नहीं है लेकिन इसका जल अपघटन हमें कराना है। तो इसका हम जल अपघटन कराएंगे तो HOH। अब ये HOH बनेगा तो यहाँ पर ये OH इसके साथ में चले जाएगा और ये क्या बनेगा, फिर अगेन दोबारा फार्मिक अम्ल ही बन जाएगा, क्या बन जाएगा फार्मिक अम्ल ही बन जाएगा। तो ये बनेगा CH OH, यानी मेथिल हाइड्रोक्सिल भी बोल सकते हैं या फेनिल हाइड्रोजीन, और ये मेथिल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा OHBr। ये बन गई आपकी अभिक्रिया, चौथी हो गई। एसिटिक अम्ल को PCl5 के साथ गर्म करते हैं, चौथी अभिक्रिया कह रहा है एसिटिक अम्ल को PCl5 के साथ। एक हाइड्रोजन इसका इसके साथ चला जाएगा तो क्या बनेगा HCl, पहले अलग लिखें इसको HCl। अब इसका एक CH थ्रू इतने कंपाउंड को एक Cl मिल जाएगा तो क्या बनेगा CH3 CH2 और Cl। कितने Cl को खर्च कर गए हम, एक और एक दो, दो को खर्च कर गए। अब बचा क्या एक O, इस O के साथ एक निकल जाएगा तो POCl3 ये बन जाएगा। जब हम एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराते हैं तो एथिल क्लोराइड और HCl और POCl3 प्राप्त होता है हमें। अब अगली अभिक्रिया देख लीजिए, अब इसको ऊपर से मिटा देते हैं, अगली अभिक्रिया करते हैं। अगली अभिक्रिया करते हैं, इसको आप नोट कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, फिर करेंगे C6H5CHO और किसके साथ गर्म करेंगे NaOH के साथ। फिर वो पुराना रूल है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन टूटेगा और ये बोन टूटेगा, ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, इसका भी एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, तो बनेगा क्या C6H5
सी डबल बॉन्ड ओ एच बेंजोइक अम्ल, बचा क्या यहाँ पर सी सिक्स एच फाइव सी ओ और इसके पास क्या बचा एन एस, तो ये बन जाएंगे दो कंपाउंड, एक बनेगा बेंजोइक अम्ल और दूसरा बनेगा सोडियम बेंजोएट। अब ये क्या दिया गया फार्मिक अम्ल के से ऑक्जेलिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, ये अभिक्रियाएँ ज़्यादा आसान होती हैं, इसमें दिखाता है कि बनना क्या है, क्या है बनना क्या है। तो फार्मिक अम्ल का फार्मूला होता है सी एच सी डबल ओ एच और दो बार लिखेंगे क्योंकि हमें ऑक्जेलिक अम्ल मालूम है सी डब्ल्यू एच का होल ट्वाइज होता है। इसको हम कापर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड, पहली अभिक्रिया ये तो हो गई, अब ये चल रही है कापर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो ये हाइड्रोजन मुक्त हो जाएगी और बनेगा एच सी डब्ल्यू एच सी डब्ल्यू एच। यहीं से ये बॉन्ड क्रैक होकर आधे आधे पलट जाएंगे, एक बॉन्ड बन जाएगा और क्या निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। अब अगला दिया गया एसिटिक अम्ल से एथिल अमीन बनाना है, क्या बनाना है एसिटिक अम्ल से एथिल अमीन। एसिटिक अम्ल का फार्मूला मालूम है सी एस थ्री सी डबल ओ एच। कुछ हमें ऐसा करना है कि इसको हमें गर्म करना है, पहले किसके साथ में अमोनिया के साथ में, अमोनिया के साथ में गर्म कर दीजिए। तो यहाँ अमोनिया के साथ में एन एच थ्री होता है, एन एच थ्री होता है तो अमोनिया के साथ में जब हम गर्म करेंगे तो यहाँ पर जल निकल जाएगा, जल निकल जाएगा तो बनेगा H2O, H2O ये बन जाएगा H2O एसीटामाइड, क्या बन जाएगा एसीटामाइड CH3CONH2 एसीटामाइड बन गया। अब इसको हमें हटाना है, क्या है इसको हमें हटाना है, कोई चीज़ हमें ऐसी डालनी है कि ये हट जाए, यहाँ से हट जाए O हट जाए और यहाँ पर दो हाइड्रोजन आ जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा O है, ये एसीटामाइट है। तो हम क्या करें इसका अपचयन करा दें, SnCl2 की उपस्थिति में अपचयन करा दें, दो हाइड्रोजन यहाँ ले लें और दो ये चार हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन इसको जल बना देंगे और यहीं पर दो हाइड्रोजन चिपक जाएंगे तो ये बनेगा, इन दो बंधों पर ही ये दो हाइड्रोजन जाएंगे और दो जल निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा H2O, बचे हुए दो हाइड्रोजन यहीं जाएंगे तो ये CH2 हो जाएगा और पहले से इससे क्या लगा अमीन ले बन गया। बेंजोइक अम्ल से एस्टिक अम्ल से क्या बन गया एथिल अमीन। अब क्या दिया गया एस्टल्डिहाइड से एसीटोन, एसीटल्डिहाइड से एसीटोन बनाना है, लीजिए एसीटल्डिहाइड से एसीटोन, इन्हें रब किए देते हैं, अभिक्रियाओं को रटते नहीं है याद करना, आपको अभिक्रियाएं रटनी नहीं है लेकिन ऐसे ही अभिक्रियाएं करना है। पहला क्या है एसीटल्डिहाइड CH3CHOH, एस्टल्डिहाइड से एसीटोन, जब कितना भी कम हम लेंगे तो इसके साथ में कम से कम दो हमें CH3 चाहिए है CH3CHO, ये है एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड को हम ऐसे किसी बंदे के साथ में गर्म कर दें, ऐसे बंदे के साथ में गर्म कर दें कि ये दो हाइड्रोजन चले जाएं, तो हम इसे किसके साथ में गर्म कर दें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या करेगा एक इसका एच लेकर जल बना देगा और एक इसका एच लेकर जल बना देगा और क्या बन जाएगा कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, सॉरी यहाँ पर ये ऐसे नहीं होगा और ये बनाएगा कैल्शियम एसीटेट जल, इसका बनना है CH3CO और फिर बनना है CH3COH H H H एक ओ, ये बनाना है हमें कैल्शियम बेंज एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट बनाना है एसिटिक क्या नाम एस्टल्डिहाइड से। अब एस्टल्डिहाइड से बनाना है तो हाइड्रोजन दो यहाँ हैं दो यहाँ हैं, तो कैल्शियम एसीटेट का जब हम करेंगे क्या करेंगे हाइड्रोजन के साथ अपचयन करा दें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें, बुझा हुआ चूना ओ एच, ओ एच क्या लिख लिया है ओ एच, और इसका हम क्या करा दें जल अपघटन कराएंगे और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा लेंगे
ऑक्सीजन की मात्रा जब ज़्यादा लेंगे तो एक OH इसके साथ में हाइड्रोजन और एक OH इसके साथ में हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी चाहिए, दो। CaO यहाँ आएगा और चिपक जाएगा। अब यहाँ पर बन गया है मामला कुछ और, तो यहाँ पर कर देंगे हम दो का ऑक्सीकरण। इसका क्या करा दें, ऑक्सीकरण। टू का मल्टीप्लाई करें तो दो हाइड्रोजन ये और ये एक ये, इसके साथ क्या बना देगा, एक जल, और ये एक हाइड्रोजन ये और एक ये, इसके साथ क्या बना देगा, जल। कितने हो गए, जल, H2O। अब ये बन गया कैल्शियम एसीटेट। अब इसको हम गर्म कर दें, इसको हम गर्म कर दें तो क्या बन जाएगा, ये देखिए यहाँ से क्या निकल गया, CH3CHO, कैल्शियम कार्बोनेट पृथक हो गया। क्या निकला, पहले CaCO3, अब ये C डबल बॉन्ड O यहीं पर चिपक जाएगा, चिपक जाएगा। ये हाइड्रोजन टूटा, एक इसका टूटा है, तो इसी के साथ में C डबल बॉन्ड O OH चिपक जाएगा। या हम दो ऑक्सीजन दे दें तो ऑक्सीजन एक यहाँ लग जाएगी, एक यहाँ लग जाएगी, ये कैल्शियम एसीटेट बन गया। कैल्शियम एसीटेट को जब हम शुष्क आसवन करेंगे, क्या, शुष्क आसवन, आसवन करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट पृथक हो जाएगा, बचे आ गए क्या, CH3CO CH3CO CH3, एसीटेट बन गया। ये क्या बन गया, एसीटेट, इसका नाम है एसीटोन। एस्टल्डिहाइड से एसीटोन ऐसे प्राप्त करते हैं, ये एस्टल्डिहाइड के दो अणु ले लिए और एसीटोन प्राप्त हो गया। जब इसका एक एच और इसका एक एच इस ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो माइनस के H2O, साफ सुथरा दिखाते हैं इसको, साफ सुथरा नहीं दिख रहा है आपको, ये लीजिए CH3COH, ये ऐसे लिख दो CH3COH, और इसको किसके साथ में, पहले वायु की उपस्थिति में लिखिए, किसकी, वायु की उपस्थिति, यहाँ प्लस कर लीजिए वायु, और यहाँ पर क्या कर देंगे हम OH, कैल्शियम एसीटेट को उल्टा लिखें OH, और ये देखिए चार हाइड्रोजन यहाँ से दो ऑक्सीजन को लेकर चले जाएंगे, क्या बन जाएगा, इसके आगे यही एरो हमने लगाया, -2H2O, और ये कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा। अब ये कैल्शियम एसीटेट बन गया, बचा क्या है, हमें इसको शुष्क आसवन कर देना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट पृथक हो जाएगा। तो अगली अभिक्रिया है आपकी एनिलीन से बेंजल्डिहाइड, एनिलीन से बेंजल्डिहाइड बनाएंगे। एनिलीन का फार्मूला मालूम होगा कि इस पर लगा होता है NH2, इसके किसके साथ गर्म करेंगे, सोडियम नाइट्राइड NaNO2 प्लस HCl, इतने HCl डालो कि ये जल बना दे, तो दो का मल्टीप्लाई करो, ये इसकी दो ऑक्सीजन लेकर और ये दोनों हाइड्रोजन ये चले गए, यहाँ पर मल्टीप्लाई टू का है तो एक बन जाएगा NaCl, -2H2O निकल जाएगा और बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या बनेगा, N2Cl बनेगा। जैसे ही हम इसको किसके साथ गर्म करेंगे, सोडियम नाइट्राइड के साथ में, किसके साथ में, सोडियम नाइट्राइड के साथ में, तो यहाँ पर बनेगा पोटेशियम नाइट्राइड NaCl, एक कार्बन लाना है क्योंकि एल्डिहाइड में जाना है और एक कार्बन की आवश्यकता है, तो ये क्या निकल जाएगा, HCl, KCl, तो ये KCl निकल गया एक माइनस का, और नाइट्रोजन गैस उड़ जाएगी तो प्लस में N2 उड़ गई, बचा क्या, बेंजीन के ऊपर CN, क्या बचा है, CN बचा है। इस CN से हमें नाइट्रोजन को हटाकर OH लाना है, यानी कि इसका हम हाइड्रोनियम आयन से जल अपघटन करा दें, किससे, हाइड्रोनियम आयन और जल और हाइड्रोजन लेकर अपचयन करा दें, ये लीजिए जल और हाइड्रोजन किसकी उपस्थिति में, SnCl2 और HCl की उपस्थिति में। जब हम कराएंगे तो यदि हम ये हाइड्रोजन ले लें तब भी बन जाएगा, लेकिन ये तीन हाइड्रोजन और इसकी नाइट्रोजन के साथ क्रिया कर जाएंगे तो बन क्या जाएगी, NH3, क्या बन जाएगी, NH3, एक नाइट्रोजन और ये तीन हाइड्रोजन, बचा क्या है, बेंजीन के ऊपर एक C बचा है और जिससे एक H लगने जाएगा, CH हो जाएगा और ये OH बन जाएगा, ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। ऐसे ही अगली अभिक्रिया क्या दी गई है, अगली अभिक्रिया दी गई है आपकी ऑक्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल, तो HCOOH
COOH ऑक्सैलिक अम्ल को सिर्फ हम गर्म कर दें, क्या कर दें गर्म, तो यहाँ पर क्या निकल जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड HCOOH और ये कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो गई, ये बन गई आपकी रासायनिक अभिक्रिया, ये हो गया फार्मिक अम्ल। यही इसी प्रकार से अभिक्रियाएँ करते हैं और कुछ करना नहीं होता, बहुत आसान अभिक्रियाएँ होती हैं, बस ये वाली अभिक्रिया तो सामने लिखी होती हैं कि इससे हमें ये बनाना है, देख लीजिए टाइम लगा भी नहीं और आपकी बना दी अभिक्रिया। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।